बात यही कि प्रदेश में बड़ी विरोधी पार्टी होने के बाद आखिरकार कांग्रेस अपने को कहां पाती है? कैलाबाद के तिलिस्म को तोड़ना कांग्रेस के लिए चुनौती रही? क्या बीजेपी कैलाबाद का किला आने वाले समय में भेज सकती है? दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, पर आखिर सवाल ये ही कि क्या अब राजनीति का केंद्र बिंदु किसान हो गए? क्या किसानों के बहाने ही राजनीति हो रही है? कैलाबाद उपचुनाव की यह जीत किस ओर इशारा करती है? सवाल आपका, में करेंगे हम इसी पर बात। तो लगातार किसानों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं हर विरोधी पार्टी की तरफ से, लेकिन सबसे पहले आपको अहम सवाल दिखाते हैं। तो कैलाबाद में क्यों क्लीन स्वीप हुई कांग्रेस, और जनता ने कांग्रेस को क्यों पूरी तरह से नकारा? कैलाबाद की जनता की पसंद फिर बनी इनेलो। क्या किसानों के दम पर जीती इनेलो? वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी दावे कर रही है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी साफ कह दिया कि बीजेपी का जो शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो बड़ा है। सवाल आपका, में हमने फोन लाइन्स ओपन कर रखी हैं, इस पर आप सीधे कॉल करके हमसे इस कैलाबाद उपचुनाव की सीट के बारे में सवाल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो हमसे जोड़ सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, इनेलो के नेता भी मौजूद रहेंगे इस चर्चा में, उनसे भी बातचीत करेंगे और आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। चर्चा में सबसे पहले शामिल करना चाहूंगा रजवंत दहिनवाल, प्रवक्ता हैं इनेलो के, और सुरेश संधू हैं बीजेपी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा रजवंत दहिनवाल जी, प्रवक्ता है इनेलो के, इनेलो इस जीत को किस तरह से देख रही है? देखिए, ये जीत असल में जो लड़ाई थी, जो किसानों की लड़ाई थी, ये जीत आज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों को ही समर्पित की है जी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा उन किसान नेताओं का, उन किसान भाइयों का, जिसके लिए मैंने त्याग पत्र दिया था जी। सरकार को चेताने के लिए मैंने जो काम किया था, और दोबारा उन्हीं लोगों ने, उस कैलाबाद की हल्के की जनता ने मेरे को दोबारा चुनाव में लड़ाने के लिए मेरे को आगे लेके आया। और किसान संगठन है, जो चाहे छोटे से छोटा जो भी किसान है, उसने बढ़ चढ़ कर जो अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनका पुनः धन्यवाद किया है। रही बात ये, एक चुनाव आपने आप में खास था। इस चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी के जो लीडर जो अपने आप में ये बोलते थे कि अगर हम इस चुनाव में, पिछले चुनाव में अगर हम अभय सिंह के खिलाफ होते तो उसको जीतने नहीं देते, इस चुनाव में जरूर उन नेताओं का भी बहम निकाल कर दूर किया है। जो लोग घर 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 जिसने सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया है, जिन्होंने पैसों का भी दुरुपयोग किया है, वो लोगों उन लोगों का वहम इस चुनाव ने जरूर निकालने का काम किया है। इसके साथ ही चौधरी देवीलाल के असली वंशज कौन है, उसके उत्तराधिकारी कौन है, इस चीज का भी इसके साथ साथ फैसला हुआ है। ठीक है, चौधरी देवीलाल के अनुयायी है, जो उनके वर्कर है, उन्होंने माना है कि असल में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही है जो मजदूर कमेरे वर्ग के साथ लेकर चलता है, उनके हितों के लिए काम करता है, और ये जो त्याग दिया था ये उसी का ही फलस्वरूप आज एक बार फिर हमें जीत मिली है। इसके लिए एक बार फिर से हम सभी कैलाबाद के निवासियों का, उनके हल्के वासियों का, या जो हरियाणा प्रदेश की जनता का, जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमें सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत से सवाल हैं रजवंत जी आपसे मैं करूंगा। सुरेश संधू जी के पास जाना चाहूंगा, बीजेपी के नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सुरेश जी, इनेलो का गढ़ भेदने में कोशिश असफल रही बीजेपी की? पहले तो मैं खबर फास्ट के सभी दर्शकों को धनतेरस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से जी। नहीं, ये तो कहना तर्क संगत नहीं है भाई, बीजेपी इसको करने में नाकाम रही। बीजेपी का पिछले 2019 चुनाव में 30% वोट मिला था, की बार 40 मिला है। इससे पता लगता है जन समर्थन कितना जबरदस्त मिला है बीजेपी को। इसमें जब सभी किसान नेताओं को भी सपोर्ट किया है, इसको राकेश टिकैत बोल रहा था भाई ये कठड़ी देगा गया सवाई करके वापिस करेंगे, उसका भी जनता ने इनका वहम निकाल दिया, किसान नेताओं का भी और इनेलो के नेताओं का भी। ठीक है, तो आप बीजेपी को जो वोट शेयर बढ़े हैं उसको एक तरीके से देखते हैं। मैं आपके पास और भी सवाल करूंगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं काला कुमार, उनका भी सवाल ले लेते हैं सर इसमें। काला जी, अपना सवाल पूछिए।
काला जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर ये मैं पूछता हूँ, किसान संगठन का भी समर्थन था, फिर भी बीजेपी को तो ये कहते थे जवान जब्त करवा देंगे, फिर जवान जब्त क्यों नहीं करवाई है आपने? जी हाँ, ये कह रहे थे नैलो वाले भी जवान तो जब्त करवा देंगे, फिर तो बीजेपी को किसने वोट पाई? किसानों का समर्थन तो नैलो पे था, फिर भी वोट इतनी बड़ी। तो आपका कहने का मतलब तो ये हो गया ना, बीजेपी को तो अभी चाहते हैं लोग। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी, रजवंत जी एक रिएक्शन आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा, वोट शेयर की जिस तरीके से हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हैं, सुरेश जी बात कर रहे थे कि वोट शेयर बड़ा है, तो दर्शक भी ये कह रहे हैं कि वोट शेयर बड़ा है और कम जो अंतर है उस कम अंतर से बीजेपी सेकंड नंबर पर रही है, तो अब बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का, इनेलो की तरफ से कुछ कम हुआ है, आने वाले समय में कैसे टैकल करेगी इनेलो? इससे पिछले चुनाव में हमारी भी, उससे पिछले चुनाव में जो हमारी वोटें थी, आज हमारी वोटें वहां कहां आई है? वोट शेयर तो हमारा बढ़ा है। इस चीज में तो आप ये कह सकते हैं कि ये चुनाव जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, इस बार अकेली भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, वहां पे जजपा भी लड़ी थी, वहां पे बीजेपी भी लड़ी थी, वहां पे गोपाल कांडागोर हरियाणा लोक हित पार्टी भी लड़े थे, इसके साथ साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना मित्र कहकर उनको भी सपोर्ट करने का काम किया था, भरत सिंह बेनीवाल ने भी कहीं ना कहीं उनको इंटरनल सपोर्ट किया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि अकेली बीजेपी की जीत है? ये सारी जो वोटें हैं ये कहीं ना कहीं इन चारों पार्टियों को मिलकर जो इनको मिला है वो वोट शेयर है। तो आपका कहने का मतलब, आपको कह सकती है जी जी रजवंत जी, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास अपना कोई फेस नहीं था इलाहाबाद में, तो चारों पार्टियों ने मिलकर ये चुनाव को लड़ा है? अगर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों के उधार के उम्मीदवार लिए थे और रिजल्ट जनता ने उनको दिखा दिया, क्या है जी? आपके सवाल पर मैं रिएक्शन लूंगा, सुरेश जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं, राजन है यमुनानगर से। राजन सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ऐसा है इनेलो पार्टी से ये अभय सिंह चौटाला जी दोबारे इलेक्शन जीते हैं जी, बीजेपी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अब ये इस प्रकार कह रहे हैं कि इनका जो है वोट परसेंटेज बड़ा है बीजेपी का, रिजल्ट जो है इनेलो के फेवर में आया है, दोबारा फिर जनता ने इनेलो पे विश्वास जिताया है, हार स्वीकार करनी चाहिए और रूलिंग पार्टी होने के बावजूद जो है इनेलो पार्टी जीत गई है, इनको हार्दिक बधाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल करने के लिए। सुरेश जी, इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए गोविंद कांडा को उन्होंने चुनाव में उतार दिया उपचुनाव में इलाहाबाद की। क्या इलाहाबाद के उपचुनाव में बीजेपी के पास वाकई में कोई चेहरा नहीं था? बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बाहर जाकर क्यों कैंडिडेट को चुना गया, इस पर आपका जवाब। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी, जो जिसमें सभी लोग जो नेता है वहाँ के स्थानीय उनकी सभी के सलाम मशवरा से गोविंद कांडा जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, तभी उसको टिकट दिया गया इलाहाबाद से। इनके पास कौन चेहरा था जिसने इस्तीफा दिया, भाई मैं किसानों के समर्थन में इस्तीफा देता हूँ, इसी ने दोबारा लड़ा, इसका बेटा था, इसकी पत्नी थी, इसके भाई थे, उसको क्यों नहीं चुनाव लड़ाया इसने? ये कोई तथ्य नहीं है कि भाई बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी के पास अनगिनत चेहरे है, कांग्रेस ने बीजेपी वाले को टिकट दी है चेहरे को। ठीक है, बीजेपी के पास चेहरा था तो उसके बाद भी मतलब गोविंद कांडा को चुना गया, ये एक बड़ा सवाल है। सुरेश जी हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। दिनेश अपना सवाल पूछिए। ऐसा है जी, मेरा सवाल बीजेपी वालों से है जी, जो ये कह रहे थे ना भाई जो अभय ने जो इस्तीफा दिया है वो क्यों दिया, क्यों इलेक्शन लड़ा, इसका बताता हूँ। चौधरी देवीलाल जी ने और डॉक्टर मंगल सैन ने 1986 में इस्तीफे दिए थे जी, लोगों राजीव गांधी के समझौते पे साथ दार आता है, दोनों ने दोबारा उन दोनों ने चुनाव लड़ा, देवीलाल जी जीत गए, मंगल सैन जी हार गए, फिर लेकिन जनरल इलेक्शन आगे 87 में 85 सीट आई थी इसी बात पर। हाँ जी, आप इसका बात का जवाब दो, आपके पास कोई जवाब है? आपने क्यों चुनाव लड़ा जब आपके मंगल सैन जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो आपने क्यों चुनाव लड़ा? चलिए सुरेश जी से ही इसका जवाब, आपका जवाब दो, आप इनको बेवकूफ बना लग रहे हो जी। सुरेश जी, हाँ जी, ये तो जो ये पार्टी कहती थी नहीं भाई बीजेपी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है, सभी जगह ये इतना विरोध कर रहे थे सभी दल, कांग्रेस वाले भी ना, किसानों ने कहीं बीजेपी का विरोध नहीं किया, ये आज
काउंटिंग से पता चलता है भाई ये वोट किसकी आई है, इसमें किसानों की, मजदूरों की, व्यापारी की, सभी वर्गों की वोट मिली है बीजेपी को यार। लेकिन ये नकारा साबित हुए हैं जो बीजेपी को बोलते थे भाई ये बिल्कुल इसका विरोध हो रहा है गांव में, इन्होंने अपने वर्कर खड़े करके गांव में प्रचार प्रसार नहीं करने दिया बीजेपी को, फिर भी देखो कांग्रेस की क्या हालत हुई है, और इनेलो तो बिल्कुल जमा डी पार पहुंचने में मुश्किल से पहुंची है जी। सुरेश जी, इनेलो के नेता अभय चौटाला जो जीते हैं और जीत पर जश्न भी मनाया जा रहा है एलनाबाद में, टेक्निकल जीत तो जीते हैं अभय जी, ये कोई सामाजिक जीत नहीं है भाई, जैसे ये सोचता था भाई इस्तीफा देकर किसानों के नाम पर मैं दुरंधर जो मैं 40-50 हजार वोटों से जीतूंगा, इनको ये वहम निकालने का काम किया जनता ने हरियाणा की और एलनाबाद की जनता ने जी। चलिए, आपके इसी सवाल पर मेरा एक आपसे काउंटर है कि अभय जी ने साफ तौर पर यह कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की है बीजेपी ने और जेजेपी गठबंधन ने इस चुनाव में, इसी वजह से अंतर उसके पास वोट शेयर बढ़ गया, जिस तरीके से आपने कहा ना वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का और बढ़ गया है, तो उस पर उस उनके उस बयान पर क्या कहना है आपका? कहना कि इसका ये कुटिया से काम करते रहे हैं जब सत्ता में थे ये अभय जी, जो इन एनएलओ के कार्यकर्ता इनकी पृष्ठभूमि यही है, जोर स्प्रेडिंग की है, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कोई नेता ऐसे कार्य नहीं करता जो अनैतिक हो, जिससे देश में और प्रदेश में उसको अपनी नीचे गर्दन करनी पड़े, ऐसे कार्य नहीं करता कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का नैतिक जी। बिल्कुल, आपसे और भी सवाल लूंगा। इस बीच सुरेश जी, एक हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, क्योंकि दर्शक जुड़ रहे हैं, ये जमीन से जुड़ा मुद्दा है, राजनीति से जुड़ा मुद्दा है, इसमें दर्शकों के सवाल लेने भी बहुत जरूरी होते हैं। सर क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर वेद प्रकाश जी एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेना चाहूंगा। वेद प्रकाश जी चरखी दादी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेद प्रकाश जी अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं सुबह से इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उनको देख रहा था और विश्लेषण कर रहा जी। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन हरियाणा में एक प्रजातंत्र के नाम पर बहुत बड़ा तमाचा है, आप भी उस बात से सहमत होंगे जी। इस इलेक्शन में जिस प्रकार से जातीय ध्रुवीकरण किया गया है वो कम से कम हरियाणा के समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो दोनों तीनों जो भी प्रवक्ता पार्टी से बैठे उनसे अनुरोध ये है कम से कम इस हरियाणा प्रदेश को इस स्थिति में मत ले जाइए, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से लड़िए। ये कितना खतरनाक जातीय ध्रुवीकरण है, मैंने एक एक बूथ से आज जो विश्लेषण वादक देखा है कंप्लीटली जातीय ध्रुवीकरण है, और बड़ी शर्म की बात है। आज चाहे कोई वोट बैंक बढ़ा हुआ कहता है, कुछ भी कहता है, बाई रुक और कूक दोनों पार्टीज ने जो कंपेन चलाया बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। मैं भी ये कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, आज चाहे किसी की जीत है किसी की हार है, लेकिन आज कम से कम प्रजातंत्र और हरियाणा की जो एक भाईचारा था वो कम से कम इतना जबरदस्त उसमें एक टूटन हुई है कि शायद ये आगे वाले समय के लिए हरियाणा में अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी अपना सवाल पूछने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। दर्शक हमारे साथ सवाल आपका में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हमारे साथ तमाम मंचासीन प्रवक्ता भी मौजूद रहते हैं बीजेपी के, और तमाम नेता मौजूद रहते हैं। इस चर्चा का खास मकसद यह है कि जमीनी स्तर से लोगों को रूबरू कराना, साथ में आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों को आप इस मंच के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इनेलो की प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा, रजवंत जी, देखा जाए तो जीत इनेलो की हो गई, क्या जी। कहा जाए कि जमानत बच गई, क्योंकि विधानसभा की एक ही सीट थी आपके पास, वो भी चली जाती, जनता ने कुछ आप पर कहा जाए तो नजरें इनायत कर दी। देखिए, जब हमने ये कदम उठाया, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब ये इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर अंजाम की सोचते तो शायद हम इस्तीफा नहीं देते। अंजाम की सोच रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, जो वहां पे आंदोलन में जाके बार बार ये कह रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। असल में उनके उन लोगों के चेहरे उजागर हुए हैं। कहाँ है आज बलराज कुंडू, कहाँ है आज जोगीराम सिहाग, जो देवेंद्र बबली है, कहाँ है राम कुमार गौतम जी, आज वो कहाँ है? वो सिर्फ किसान आंदोलन को बरगलाने का काम कर रहे थे, वहां पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो कहा वो करके दिखाया। किसान नेताओं ने उनको कहा था कि आज हमारे बीच में चौधरी छोटू राम जी होते, चौधरी चरण सिंह जी होते, तो चौधरी देवीलाल जी होते, तो शायद ये इस प्रकार के जो कानून है ये लागू नहीं होते, बड़ा सा बड़ा कदम उठाने के लिए वो तैयार रहते। अभय सिंह जी ने उनसे यही पूछा था, भले ही आज आपके बीच में वो लोग नहीं है, लेकिन आपके बीच में तब देवीलाल का वंशज है, आप करते हैं वो बताएं।
उन्होंने ये कहा था कि अगर इन बिलों के समर्थन में कोई व्यक्ति अगर इस आंदोलन की मजबूती के लिए इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, उस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। तो इस चीज को किसानों से जोड़कर ना देखा जाए तो कहां जी, किसानों से तो जुड़ेगा ही मुद्दा, क्योंकि किसानों की वजह से इस्तीफा दिया था। किसानों के हित की तमाम राजनीतिक दल बात करते हैं, और अभय चौटाला ने, जो आप भी जानते हैं, आप प्रवक्ता इनेलो के, आपको बेहतर पता होगा पार्टी के बारे में, इस्तीफा क्यों दिया था? चलिए मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, रजवंत जी मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। सर यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ रहा है, एक दर्शक हमारे साथ हैं नारनौल से, कुलवीर हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। कुलवीर अपना सवाल पूछिए। अजी बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए, तीन पार्टियों ने लड़के इकट्ठा होगी इलेक्शन लड़ा और पूरी हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पर पड़ी रही और उसके बाद भी अकेला अभय चौटाला ने इनको हरा दिया और फिर ये इनसे अभय चौटाला कहते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया, इन्होंने क्यों लड़ा इलेक्शन, इनको इस बात की एहसास नहीं हुआ कि पूरी सरकार को हराया इसने अभय चौटाला ने? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय और सवाल रखने के लिए। फिलहाल सुरेश जी, किसानों का मुद्दा लेकर इनेलो से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, 27 जनवरी को ये इस्तीफा दिया गया, उसके बाद सीट खाली हो गई, उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई, उसका बेनिफिट इनेलो को फिर से जो 30 अक्टूबर को अभी मतदान हुए उसमें फिर से मिल गया, क्योंकि नतीजे आए तो आज जिस तरीके से नतीजे हम लोग देख रहे हैं इनेलो के पक्ष में ही गए। क्या किसानों का जो विरोध है उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा इलाहाबाद में, आप क्या मानते हैं, या फिर इलाहाबाद की जो पारंपरिक सीट है? सही नहीं है जी आपका, जी भाई, जो किसानों से नुकसान, अगर किसानों का नुकसान उठाना पड़ता तो बीजेपी 40,000 वोटों से हारती वहां पर, जमात जब थोड़ी चाहिए जैसे कांग्रेस की हुई है। जी जी, इससे कोई वो नहीं हुआ भाई, किसानों वाला कोई मुद्दा नहीं है वहां लोगों में, ये तो जो ये पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते थे उनको दिखा दिया भाई, ये आईना काउंटिंग में आईना दिखा है, ये इन दलों ने सभी ने भेजो खड़े होकर इनके कार्यकर्ता विरोध करते थे, फिर अगर किसान वोट ना देता बीजेपी को जैसे विरोध गांव में जड़े, सभी गांव में सभी बूथों पर वोट मिली है बीजेपी को, जी ठीक है, जगह समर्थन है बीजेपी को, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सुरेश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके जो बात है कहने की उस पर मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। इस बीच और एक और दर्शक है हमारे साथ, आर के कालिया जी जुड़ चुके हैं। कालिया साहब सवाल करिए अपना। कालिया जी आवाज आ रही है? नमस्कार जी। नमस्कार, देखिए जौहरी साहब बात ये है जी, मैं केवल और केवल कांग्रेस की बात करूंगा जी, कांग्रेस की तो वो बात है आपसी फूट है, इनको ले बैठी आपसी फूट, भाई का भाई मेरी। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, और जो भाजपा है भाजपा को अहंकार ले डूबा है, इसकी हट धर्मी ले डूबी है, जात पात की मजहब की राजनीति ले डूबी है, और जो कांग्रेस है मैं ये ऊपर नहीं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब तक मेरी माननीय सोनिया गांधी प्रधान है और मेरी माननीय सोनिया गांधी प्रधान, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। जब तक प्रियंका को आगे नहीं लेके आते मेरे कांग्रेस भाई, सुन ले कांग्रेस नेता सुन ले, ये आम आवाम की आवाज है, बच्चे बच्चे की आवाज है, गली गली की आवाज है, मोहल्ले मोहल्ले की आवाज है जी। जब तक ये प्रियंका को लेके नहीं आते कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। और इनको लोक दरबारों को मेरी तरफ से मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आर के कालिया साहब, आप अपनी सवाल पूछने के लिए और अपनी राय और विचार रखने के लिए। यहाँ पर सवाल यही अहम हो जाता है कि आखिरकार इनेलो ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया जीत का, जो वाकई में काबिले तारीफ भी है, और जिस तरीके से वोट शेयर की बात बीजेपी के तमाम नेता भी कर रहे हैं वो भी एक विचार का विषय बन जाता है। सुरेश जी यहाँ पर ये सवाल आपसे ये है कि 2019 के चुनाव की बात की जाए इलाहाबाद सीट पर, तो अभय चौटाला ही जीते थे, उन्हें 57,055 वोट मिले थे, उस समय पवन बेनीवाल बीजेपी से थे, हार गए थे। उससे पहले 2014 की बात की जाए उस समय भी अभय जीते थे, पवन हार गए थे, बीजेपी से थे, 57,623 वोट मिले थे बीजेपी को, और अभय को मिले थे 59,162। आखिरकार बार बार हार बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से, और कभी इनेलो से जिस तरीके से बीजेपी में आए पवन बेनीवाल, उसके बाद फिर अब कांग्रेस में चले गए, पहले बीजेपी ने पवन बेनीवाल पर दांव खेला, अब बीजेपी ने गोविंद कांडा को अपना दिया, क्या ये ना माना जाए, क्या ये इसके मायने ना निकाले जाए कि इलाहाबाद उपचुनाव की सीट पर बीजेपी के पास अपना कोई फ्रेश फेस नहीं था? नहीं, प्रेस के स्टेजिस में कोई वो नहीं है, बीजेपी के पास सभी स्थानीय नेता जो इलाहाबाद जिला के सभी ने सलाह मशवरा करके, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी हैं,
और हमारे स्थानीय नेता सभी ने सलाह मशवरा करके गोविंद कांडा जी का नाम लिया, उसे टाइम चुनाव समिति ने इनको टिकट दिया है। पवन बैनीवाल को देखना चाहिए वो कांग्रेस में गए, उसकी क्या हुई है आप बीजेपी से जाकर। ठीक है, गोविंद कांडा जी को तो बहुत लाभ मिला है, पवन बैनीवाल जी की तो जमान जब्त होगी आज कांग्रेस की। तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी, जो गोविंद कांडा जी दूसरे नंबर पर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? हार तो गए हैं ना सर? हार गए, हम हार स्वीकार करते हैं, पार्टी इस पर विश्लेषण करेगी भाई क्यों हार हुई है ये 6700 वोटों से। जनता ने भरपूर समर्थन दिया है बीजेपी को जी, जो ये स्थानीय इसके कार्यकर्ता इनेलो के और कांग्रेस के विरोध करते थे, गांव में जाने नहीं देते थे भाजपा नेताओं को, इतना कड़ा विरोध किया फिर भी वोट मिली है, कितनी वोट मिली है। कांग्रेस की जमात जब्त होगी, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति कर रहे थे उनकी। चलिए, कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई। रजवंत जी, वोट शेयर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, जिस तरीके से कह रहे हैं 30-40% वोट शेयर बढ़ा है, तो इनेलो के लिए क्या खतरा हो सकता है एलनाबाद के परिपेक्ष में देखा जाए तो, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो? वोट परसेंटेज बीजेपी का बड़ा है इसमें शक नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़े अंतर से बीजेपी नहीं हारी है, दूसरे नंबर पर जरूर रहे हैं, हार को वो स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। क्या बता रहा हूँ, हाँ, आज जिस परिपेक्ष में बीजेपी ने चुनाव लड़ा उसमें बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी और हरियाणा लोकहित पार्टी भी थी, वहां के विधायक गोपाल कांडा भी उनके साथ थे, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनकी मदद करके गए, तो हम ये कैसे मान लें कि वहां पे बीजेपी का जनाधार बढ़ा है? बीजेपी का रियलिटी तो ये है कि बीजेपी का वहां पे कोई जनाधार नहीं था। ये चारों लोगों ने इकट्ठा होकर जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला को घेरने का काम किया था और उसमें वो नाकाम रहे, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अकेले बीजेपी को नहीं हराया, वहां पे जेजेपी को भी हराया है, वहां पे लोकहित पार्टी को भी हराया है, वहीं पे कांग्रेस को भी उन्होंने मोदे मुंह मारा है। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, जेजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हमारा कैंडिडेट होता तो जीत जाता। अरे मेरे भाई, ये कैंडिडेट किसका था? ये भी तो आपका था, जिसके लिए तुमने गली गली छान ली, जिनके लिए तुमने इतने काम किए, गली गली में धक्के खाए हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हो कि हमारा कैंडिडेट नहीं, तो फिर क्या किसके लिए? उधार के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे इन्होंने? ठीक है, चलिए, वो एक सवाल है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल कहीं है, जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर इनेलो को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, नहीं तो, क्योंकि बीजेपी रेस में तो है, इतना तो आप भी मानेंगे कि थोड़ा बहुत रेस में है वो, बेशक उसके पास फेस हो या ना हो, लेकिन पार्टी की जो रणनीति के तहत वो काम कर रही है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजवंत जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपको बधाई बहुत बहुत इस जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आपको सभी दर्शकों को धनतेरस की और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश चंदू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए सर, खबर फास्ट पे आने के लिए। तो सवाल आपका, मैं हम बात कर रहे थे अभय विजय की, आखिरकार अलनाबाद में एक बार फिर से इनेलो का परचम लहरा गया। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही, नमस्कार।